कुड़ी ने इंटरव्यू करो। सर, हम रोज स्टूडेंट स्कूल आते हैं, लेकिन मैं स्कूटी आज लाई क्योंकि बहुत रिस्की होता है। जब फ्लोर आता है या हम बहुत दरिया आता है और ये पूरा गिर गया था, ये हमारा जो पूल है, और मैंने इस वजह से आज लाई स्कूटी क्योंकि आज थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी हमें बहुत तकलीफ होती है आते। तो ये तो मेरे को ये बताएं कि कितने स्टूडेंट्स आते होंगे इसको क्रॉस करने। सर वो 800 स्टूडेंट है हमारे स्कूल में, लेकिन उनमें से 100-200 में वो लाते हैं स्कूटी और स्कूटर लाते हैं, लेकिन यहाँ से पूल की वजह से हमें बहुत तकलीफ होती है। जैसे कि मैं अभी आई, मैंने शूज़ उतारे, एक दिन मैं पूरी यहाँ फंस गई थी और टीचर आए और उन्होंने स्कूटी पार्क की, फिर मैं आई, इसके लिए मैंने लाई ही नहीं, 10-15 दिन हो गए। मेरे को एक चीज़ और बताएं कि अगर यहाँ पे जब कभी बारिश का मौसम होता है तो पानी ज़्यादा आ जाता है, तो उस टाइम कितना रिस्की रहता है? उस टाइम बिल्कुल यहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजर पाती है, जब तक बिल्कुल कम ना हो जाए तो कोई भी स्कूटी कोई भी कुछ भी नहीं जा सकते, 10 दिन तो कोई भी चीज़ नहीं जा सकती। तो आप क्या डिमांड करते हैं इसको लेकर? जी सर, ये पुल बनना चाहिए। कभी मैं कितने साल हो गए हैं, मैं अब 4 साल हो गए हैं स्कूल में, तो कभी भी स्कूल को ऐसे ही देखा है टूटा हुआ है, कभी किसी ने सिर्फ पत्थर डालते हैं, जब फिर से फ्लोर आता है फिर से पुल टूट जाता है सर। ओके जी सर, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान बिन, मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं आर्ट्स स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ। और ये जो हमें रिस्क लेने का सबसे बड़ा है कि हमारी जान को ख़तरा है, और कितने बच्चे यहाँ से 700-800 बच्चा तकरीबन इस नाले को क्रॉस करता है, हमारे हमें बहने का मसला हो जाता है, हमारी जानों का ख़तरा है। बहुत से बच्चे यहाँ से आते हैं और नाले को क्रॉस नहीं कर पाते, जब बहुत सारा दरिया रहता है सर। सर मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारे ब्रिज को आके सर यहाँ पे इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जाए और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम किया जाए। और मैं डिसिप्लिन से हिसाब से भी अपील करना चाहूँगा कि वो इस ब्रिज के देखें आके और इसको काम सही करें।